डीजल डाकू ड्रामा सबकी कहाँ पे डाक जानी है? किताबें तुम लोटा लेके घूम रहे हो? लोटा लोटा लोटे में चाय बेच रहे हैं। लोटे में चाय बेच जी भाई। इस टाइम हम लोग जलसे की तरफ आए हुए और यहाँ पर अभी ये कि मैं तो फर्स्ट टाइम एक जलसे के अंदर आया हूँ। यहाँ पर जो आप लोगों को सामने ये जालियाँ नज़र आ रही हैं, ये वाली जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ये एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो VIP यहाँ पर आप लोग जा नहीं सकते, सही है? ये वाला इसके आगे एक और VIP आ रहा है, ये दूसरी जगह, यहाँ पर आप जा नहीं सकते। इसके अलावा आप लोग हमारे पास ये जो ये वाली जगह नज़र आ रही है आप लोगों को, यहाँ पर ये वाली जगह हम पब्लिक के लिए, ये वाली पब्लिक आई डोंट नो कि ये वाला रास्ता आगे बंद करा हुआ है क्योंकि आवाम पर यहाँ पर आगे बैठ जाती है। आगे से गेट है, इस तरह की पूरी ग्रिल ना यहाँ पर ही पूरी वेल्ड कर करके, क्योंकि हम लोग इस तरह के जलसों में कभी नहीं आए इससे पहले। मैं अपने सारे कज़नों से भी बात कर रहा था, इस तरह के जलसे में हम लोग कभी पहले नहीं आए। जो आज आप लोगों को नज़र आ रहा है वो स्टेज जो नज़र आ रहा है वो बहुत आगे, बट उससे पहले आप लोगों को बैग दिखा दूँ। वो बैग वाला सीन ऐसा है कि ये वाली सारी यहाँ पर सारी लाइट्स लगेंगी। यहाँ पर पार्किंग का जो सीन होगा वो उस साइड बैक साइड पे होगा पार्किंग का सीन, और यहाँ पर अभी वही बता के बोल रहे हैं कि यार आप लोग गाड़ियाँ ऐसे हटा लो, कंटेनर लग जाएगा तो 3 दिन तक गाड़ी खड़ी रहेगी, तो जिसकी भी गाड़ी होंगी वो यहाँ से हटा लो। तो ये तो अभी का सीन है, बट ये कि यहाँ पर LED लगी हुई है। और आप लोग अगर बैक साइड पर जाओ ना, तो हम लोग जो तारिक रोड की तरफ से आ रहे हैं वहाँ पर हर जगह पर स्पीकर लगे हुए हैं, दूर दूर तक तकरीर सुनाई जाएगी। हमें तो बहुत सारे सवाल करने थे बाकी सब लोगों से, पर यहाँ पर जलसों का साथ ऐसा है कि पूरा पैक है चारों तरफ से जो है ना, पूरा पैक है। अभी हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा उस साइड से ना, क्योंकि अभी हम लोग अगर यहाँ से स्टेज की तरफ जाओ तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर है। ये जो मज़ारे कहता आप लोगों को सामने नज़र आ रहा होगा, हम सोच रहे हैं थोड़ा राइट हैंड की तरफ से भी होकर आए कि वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर क्या माहौल बना हुआ। बाकी आगे तो मुश्किल है, यहाँ पर जाना तो भी बहुत मुश्किल है आगे की तरफ। डीजल डाकू ड्रामा सबकी कहाँ पे डाक जानी है? किताबें तुम लोटा लेके घूम रहे हो? लोटा लोटा लोटे में चाय बेच रहे हैं। लोटे में चाय बेच जी। दो बंदे बैठे हैं, एक सलवार कमीज सफेद पहना हुआ है, एक ब्लैक पहना हुआ है। भाई अगर आपकी लौटा दीजिए ये आप किसको सपोर्ट करने आए हो? नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ को चलो हम लोग उस साइड चलते आ जाओ। नहीं ये हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम लोग सिर्फ दिखाने आए यहाँ पर, ये मेरा बात ले लो। मैं कभी भी किसी के जलसों में नहीं गया हुआ, पर यहाँ पर हम लोग सिर्फ अभी दिखाने आए ये कि जलसे हो रहा किस तरह का, रांची में एक्चुअल जलसा हो किस तरह। इस दफ़ा कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को सोचा यहाँ का रिव्यू दिखाएं। एक दिन पहले यहाँ पर चल क्या रहा है? इस साइड जा रहे हैं हम लोग, ये वाली लोकेशन है, यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं। बहुत लंबा सीन है। मैं वापसी वहाँ से निकल के इधर जाना पड़ेगा। सही पार्टीशन बनाए हुए। आप इधर आ गए तो उधर नहीं जा सकते, उधर आ गए तो इधर नहीं जा सकते। अब डिपेंड करता है, कल बताएंगे कि लेडीज़ और जेंट्स का शायद अलग अलग होगा, और होता ही शायद जलसों में लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग है ना, ऐसा ही होता है। अभी पता नहीं है यार, हुआ करते थे जो है वो है हो जाएंगे, है जो है वो थे हो जाएंगे। कितने का है ये? 200। कौन सा ये वाला? और हेड ये? हाँ 150। हेड की शक्ल दिखाओ। हेड ये टोपी में मैंने लगाई है। अच्छा ये 200 रुपए की, और ये 100 रुपए का। ये 100 की है टोपी, 200 की, और ये झंडा ये भी 200 का, ये 150 की, ये 150 रुपए की है। सही है यार, सेल हो रही है मार्केटिंग। हम समझ रहे थे शायद खान साहब यहाँ पे फ्री में हमें झंडे मिलेंगे, हम झंडों का ही रेट लेते हैं। चलो पूछते हैं कितने का ये वाला झंडे के साथ? नहीं मैं पूछ रहा हूँ खान साहब, तो हर किसी को डंडा दे रहे हैं ना, तो हमने बोला डंडे के साथ ही दे रहा हूँ। डंडा दे देंगे इसमें, डंडा हमारे को दे दो, इसमें डंडा दे देंगे। किसको दोगे डंडा तुम? अरे भाई वीडियो बना रहे हैं। मैंने खैर है यार, और ये वाली हेड ये अक्सर खान साहब पहन के घूम रहे होते हैं। खान साहब को पहना दी, खान साहब को किसी और ने टोपी पहना दी है, पर खैर है। हाँ अभी बेहतर आ रहा है। गाड़ी है सर आपकी, है कैसे जाना पड़ेगा? अगर कल जलसों में आएंगे तो शायद ले लेंगे हम।
अगर हम जलसों में आएंगे तो शायद फिर हम ले लेंगे। अभी आए हैं मिनी जलसे में आए हैं। यार कितने का ये? 300 रुपये। तो ये प्रिंट थोड़ा अच्छा है नहीं? बताओ यार भाई पूछेंगे। बता दिया ना। कैमरे के साथ अच्छा है जलसे वाला है। चलो चलो ऐसा नहीं लग रहा अपन जैसे। पर यार एक बात है कि यहाँ पर जब अभी आए ना तो अच्छा सीन है। इस तरह का सीन पहले देखा नहीं था कभी। पकड़ इसको। अच्छा मैंने एक जगह पर सुना था शायद खान साहब बोले थे कल खाली पाकिस्तान का झंडा होगा। ऐसा है? ऐसा है? ऐसी आई नहीं पार्टी का और पाकिस्तान नहीं कह रहे थे खाली पाकिस्तान का झंडा होगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सुना था आर्मी पार्टी ना उसके रिजल्ट सेंसर मिलेगा। नहीं मैंने सुना था खान साहब ने सब बोला था। पता नहीं पर ये आप लोगों को सामने से नजर आ रहे हैं सीटें वीटें लग रही हैं यहाँ पर। ये पूरे ट्रक आए हैं। अच्छा खासी कोई खर्चा होता है भाई। अच्छा खासी कोई खर्चा होता है जलसों में। मुझे लग रहा है चेयर ही शेयर लग रही है। वेल्डिंग हो रही है। प्रॉपर काम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कम्प्लीटली ऐसे रहेगा। वैसे एक बात है वैसे एक इन जलसों से हट के बात है जितना पैसा इन जलसों में लग जाता है अगर थोड़ा बहुत अगर किसी शहर में अंदर शहर के एक इलाके में लग जाता ना तो भाई कोई अलग ही बात हो जाती भाई। बहरहाल इस स्टेज के करीब काफ़ी पहुँचे। स्टेज दिखाते हैं आप लोगों को। बाइकर्स नजर आए मतलब सही जा रहे हैं। फुल बर्गर वाला स्वेज चल रहा है। कुछ बाइकर्स आए सारे और वो लोग जो है ना यहाँ पर मतलब हर बंदा आ गए। अब वो अब सारे जमा हो जाएंगे ना यहाँ पर। अच्छी बात है सारे वहाँ पर जमा हो जाएंगे क्योंकि बाइकर्स है ना यहाँ पर। बाइकर्स आ रहे हैं। हर बंदा जो है ना अपना आगे एक तरह का प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवा रहा है और जलसे का एक रौनक भी बढ़ा रहा है। साथ कितने का ये? डेढ़। ओए 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 हवा तेज चल रही है भाई। मैंने कोई तोहिन नहीं होती यार। बाइकर्स आए हैं भाई। सारे बाइकर्स आए हैं लेके। अरे आमिर भाई आपका क्या कसूर है? आमिर भाई के साथ तो नया हो रहा है। आमिर भाई सब कुछ नया कर रहा होते। सारी बातें एक तरफ आमिर भाई का सीन एक तरफ। चले आसिफ बोल लेते वो बना लेंगे। आमिर लगा का मसला नहीं है। आमिर भाई अब पीटीआई से तो आप लोगों को कोई सीन नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। आमिर लियाकत को खास तौर पे आमिर लियाकत के अगेंस्ट नारे ऐसे लग रहे हो। आगे थोड़ा आगे स्टेज की तरफ चलें। कहा आबिद को तो पसंद आ गया। वहाँ पर खड़े हैं असल में और यहाँ पर जगह जगह टोले बना के ना ये समझ लो हर बंदा नारेबाजी लगा रहा है नारेबाजी कर रहा है। और अच्छा सीन है। ये वाली जगह तो देखो आप लोगों को बिल्कुल खाली है। कुछ जगहें तो फ्रंट की भरी हुई है जहाँ पर इजाज़त दी हुई है। बाकायदा इन लोगों ने काम तो देखना कैसा करा हुआ। पक्का काम करा हुआ यार।
ये सिंगल ये डबल जाली लगा के यहाँ पर यार कद्दू कोई अंदर नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है अंदर जाना। तो ये है भाई जलसे की अभी तक की अपडेट, उम्मीद है कि आप लोगों को छोटी सी हमारी अपडेट पसंद आई होगी। हमारी ये वीडियो जो है ना रेंडमली है, बिल्कुल नॉन स्टॉप चलती रही शुरू से एंड तक आप लोगों को पूरा सीन दिखाया है। आज रात के जलसे का ये सीन है, असल जलसा तो वैसे कल है, तो आज मिनी जलसा है। कराची वाले पहुँचे हुए यहाँ पर, जब तक पहुँचे हुए फिर उसके बाद जाके समझ लो रोज़ा अफ्तार करेंगे, उसके बाद समझ लो रोज़ा सहरी करेंगे, सहरी करने के बाद फिर अफ्तारी करने के बाद फिर यहाँ पर सब पहुँच जाएंगे। तो ये थी आज की यहाँ की छोटी सी अपडेट। पीछे स्टेज है, स्टेज तक कोई करीब नहीं जा सकता, ये आज यहाँ पर आगे पता चल गया। वीडियोस में देखने के मुताबिक जब वीडियो देख रहा होता ना तब लग रहा होता है कि शायद पहुँच जाएंगे आगे तक, पर ऐसा नहीं है, यहीं पर ही सारे स्टिक हो जाते हैं, यहीं पर ही सारे खड़े हो जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो बस लाइक कमेंट शेयर करो, और बाकी कल आऊँगा, अगर आना होगा यहाँ पर जलसे में तो फिर कल आके कल की भी अपडेट दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, बस ये रेंडम नहीं था, तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। इस अल्लाह के बंदे की कोई गाड़ी हटा ले, जब से आए घंटे से यही बोला जा रहा है।